अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। और आप लोग जो नावल पढ़ रहे हैं उसका नाम है रमज़ इश्क। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना कीमती रिव्यू देना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज के एपिसोड पर रिव्यू देना मत भूलिएगा। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल के एपिसोड पे इतने ज़्यादा लाइक्स दिए, कमेंट्स दिए, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक्स लाइक कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। तो खैर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिनको कल के एपिसोड पसंद आई, और उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनको कल की एपिसोड नहीं पसंद आई, बिकॉज़ आप लोगों की कीमती राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। थैंक्स अ लॉट आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स करने का, और थैंक्स उन लोगों का भी जिन्होंने तनकीद की, क्योंकि तनकीद से इंसान सीखता है। हो सकता है आप लोगों की हुई तनकीद मुझ पर कुछ अच्छा असर करे। और जो आप लोग रोमांस नहीं चाहते तो इट्स ओके, मैं थोड़ा कम कर दूँगी अपनी एपिसोड में। वैसे मैंने बहुत दिनों बाद थोड़ा सा कल रोमांटिक एपिसोड दी थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। तो खैर, जब मैं आपसे एक सब कोई बात भी बताऊंगी कि जो ये नावल है इसमें क्या है कि ना, तमाम कपल्स एक हवेली में है, उनको बाहर आते जाते नहीं है। जैसे हयात थी वो ऑफिस में काम करती थी, हैज़ल भी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सबका एक अलग मामला है। बिकॉज़ आप लोग तो कह देते हैं लेकिन जो लिख रहा होता है उसको पता होता है कि उसने क्या क्या सीन्स डालने हैं और कैसे कैसे सीन्स डालने हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो नावल ही ऐसा है, क्योंकि अप्रेश हो, हूर हो, तो इस हवेली में तकरीबन कैद हो चुकी हैं। अगर वो बाहर जाती, वो ऑफिस में होती या वो अपने अपने घरों में होती, तो उनके यकीनन सीन्स बेडरूम से बाहर भी निकलते। तो और इसी तरह की चीज़ें हैं, और जो घर वालों के साथ कनेक्शन है तो वो भी बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा। बिकॉज जाहिर सी बात है, हूर ने अपने पेरेंट्स को, अपने अपने फादर को मिलना है, उसने जाहिर से तो मिलना ही है हर हाल में। और परीजे भी अरहाम खान ज़्यादा को मिलेगी, ये तो हो नहीं सकता, आप लोगों को तो पता है। जाहिर सी बात है, नावल उस तक ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि नावल बहुत जल्द उस तरफ भी जाएगा, और जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। तो फिर ये वजह है, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद आता और कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, पसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा है। तो थैंक्स अ लॉट आप सबका, इतना प्यार का, इतना इतने खूबसूरत रिव्यूज़ का। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराते बिखेरते रहे। यहाँ एक बात और कहूँगी कि जब नैना और अरमान की स्टोरी रही थी, जब वो हवेली चले गए थे, तो तब भी कुछ लोगों का एतराज़ था कि सीन्स बेडरूम से बाहर नहीं निकलते। तो आप लोगों को पता है, उससे पहले सीन्स बेडरूम से बाहर भी थे, बिकॉज़ नैना वहाँ पे कैद कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल था, तो फिर सीन्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन नैना के सीन्स बहुत अच्छे थे और बाहर भी थे, उसने वकालत भी की थी। तो खैर, आप लोग स्टोरी को भी तो समझा करें। थैंक्स अ लॉट। बढ़ते हैं अपनी आज के रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ के 62। हवेली के गेट पर अरहाम खान ज़ादा ने गाड़ी का हॉर्न जोर से बजाया था। नूर ने फक रंगत के साथ अरहाम को देखा, जो हॉर्न पर हाथ रखकर भूल ही गया था। पूरे रास्ते अरहाम ने इससे कुछ नहीं कहा था। वो ऐसे ही सद्दू स्मार्ट चेहरे के साथ रैश ड्राइविंग करता आया था, और उसका नाजुक दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपता रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो इसे पुकारती भी। एक दो मरतबा उसने बात करने की कोशिश की, जवाबन उसने जिन नज़रों से देखा था, हूर की सांसें सीने में ही अटक गई थी। कुल खान के गेट खोलने पर गाड़ी के टायर हवेली के बड़े से कार पोर्च पर इस तरह आकर चरचराए थे कि कार पोर्च में इस वक्त खड़े मुलाजिम तक हड़बड़ा कर रह गए थे। अरे, हमने गाड़ी से निकलते मुलाजिमों को वहाँ से जाने का इशारा किया, वो खामोशी से वहाँ से चले गए। हूर गाड़ी में जर्द रंगत के साथ कांपते हुए बैठी थी। अरहाम ने हूर की तरफ का दरवाज़ा खोलते उसे बाजू से जकड़े बाहर निकाला था। अरहाम हूर ने डिबडबाई आँखों से उसकी तरफ देखते बहुत आज से पुकारा,
और हमने उसकी मुलतजी पकार पर जो सर्द नज़रों से घूरा, उसकी सर्द नज़र पर हूर की आंखों में ठहरा पानी तक साकत हो जाता था, उसके साथ घिसटती चली गई। जनान खाने में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वो इससे कलाई से जकड़े अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते हूर को पूरी कुव्वत से बेड पर धक्का दिया, वो औंधे मुंह बेड पर जा करी थी। निकाब खुल चुका था, सर से चादर भी उतर चुकी थी, सिल्की ब्राउन बाल चेहरे और कमर पर बिखरे थे। बालों में लगा कैचर तो उसी वक्त टूट चुका था जब अरहाम ने उसके बालों को बेतरती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। वो सीधी होती सहमी निगाहों से अरहाम को देखने लगी, जिसकी आंखों में खून उतरा था। अरहाम होर को कहर बार निगाहों से घूरता उसकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे को खिसकती बेड क्राउन के साथ जा लगी। अरहाम ने उसकी तरफ अपना घुटना जमाए उसके बालों को फिर से अपनी वैशी गिरफ्त में लिया। अरहाम आपने कहा था आप मम मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो अरहाम को भीगी निगाहों से देखते सिसकते हुए बोली। उसकी मासूमियत से कही गई बात पर उसके हाथ की गिरफ्त उसके बालों पर नर्म हुई थी, मगर अरहाम का गुस्सा उस पर ज़रा बराबर कम नहीं हुआ था। वो इस पर नरमी नहीं दिखा सकता था, ये छोटी बात नहीं थी इस तरह सबको डॉज देकर तन तनहा हवेली से निकल जाना। वो अपनी मर्जी से गुल से मिलने गई थी, शाहनवाज गुल की वजह से रुका था, वरना इस हवेली में गुल ना होती तो वो हूर के साथ कुछ भी गलत कर सकता था। वो जब जब ऐसा सोचता उसके दिमाग में आतिश फिशां फटने लगता था। जिस लड़की के एक बाल पर वो किसी भी गैर मर्द की एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो कितने ही घंटे किसी गैर मर्द की हवेली में थी। अगर आज शाहनवाज हूर के चेहरे को एक नज़र भी देख लेता तो वह शाहनवाज को तो जान से मारता ही, हूर का हाल भी बदतर करता। किस तरह तुमने गुल से राबता किया, गुल खान के होते हवेली से कैसे बाहर निकली, अरहाम ने उसके बालों को जकड़े उसका चेहरा अपने मुकाबल करते घर्राते हुए पूछ। अरहाम प्लीज़ मम मुझे माफ़ कर दें, मम मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी आपकी हुकूमत दबली नहीं करूँगी, इस बार मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ अरहाम, होश अबनबी लहजे में टूटे लफ्ज़ों से कहते फूट फूट कर रो दी थी। अरहाम ने तनी हुई नकोश के साथ उसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखा था। हूर की गुलाबी गुलाबी चेहरे में इसके खौफ से जर्दियां सी घुली हुई थी। उसका जर्द चेहरा देखकर अरहाम को निकाह की रात याद आई थी, तब भी वो ऐसे ही जर्द चेहरे के साथ उससे माफिया मांग रही थी। उस दिन तो उसे अपने पैरों में गिड़गिड़ाते देख कर उसे सुकून मिला था, मगर आज अरहाम को उसका इस तरह गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगा था। आज ये जर्द चेहरा उसे तकलीफ दे गया था। अरहाम ने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मज़ीद नरम की। उसे बहुत नरमी से अब उसके सिल्की बाल अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे, वो चाहती तो आराम से छुड़वा सकती थी मगर उसके खौफ से अपने बालों को छुड़वा भी नहीं रही थी, सिर्फ खौफ से निगाहों से कांपते हुए से देखी जा रही थी। उसकी कपकपाहट उसकी आंखों में ठहरा खौफ अरहाम को बुरी तरह मशतल कर रहा था। उसका इतना डर कपकपाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसने जो आज किया था वो किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता था, उसकी इज्जत थी, वो कैसे हवेली से बाहर जा सकती थी। जो पूछा इसका जवाब दो हूर, ये सब कुछ सोचते वो यकदम धाड़ा और उसकी धाड़ पर खौफजदा होते मुँह पर हाथ रख गए। अरहाम ने उसके बालों को अब छोड़ दिया था, पीछे को होती मजीद खुस खिसकी तो राम ने उसे बाजों से जकड़े अपने मुकाबिल कर गया। जो आप चाहिए मुझे, उसकी आंखों में देखता बर्फीली लहजे में बोला, आपके फ़ोन पर कुल की कॉल आई थी, मैंने कॉल रिसीव की थी, आप वॉशरूम में थे, मैंने आपके फ़ोन से कुल का नंबर लिया, और हम की सुर्ख आंखों में देखते बोलते हुए रुकी थी। फिर अरहाम उसे रुकता देखकर गरज कर बोला, प्लीज अरहाम प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करें, और उसकी गरज पर कांपते हुए शिद्दत से रो दी, और कम टू द पॉइंट मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरहाम ने उसके रोने पर झिनझिलाते हुए आईब्रो मसली, लहजा थोड़ा नर्म हुआ था,
मैंने द्रक्षा के मोबाइल से गुल से कांटेक्ट किया था, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। गुल खान को द्रक्षा के मोबाइल से मैंने मैसेज किया था कि उसे मर्दाने में बुला रहे, वो मर्दाने में आया तो मैं इतनी देर में गेट से निकल गई थी। बाहर ही गुल की गाड़ी खड़ी थी। हूर के बताने पर अरहाम ने अपनी मुठियाँ भींची उसे छोड़ता। गैस व गज़ब से अब कमरे के वस्त में चक्कर लगाने लगा। शाहनवाज भी था गाड़ी में। अरहाम के सिलकते लहजे में किए गए सवाल पर हूर ने अरहाम को देखा, जिसकी आंखों से वहशत टपक रही थी, जिसे देखते हूर के चटकते असाब मजीद चटके थे। न नहीं, वो नहीं था। अरहाम में कुल के साथ पीछे गाड़ी में बैठी थी। कुल का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मैंने हवेली में एक बार भी निकाब नहीं उतारा था, मैं सच कह रही। अरहाम और उसकी आंखों की वहशत से घबराते हुए घुटी घुटी आवाज़ में बोली, जानती थी वो उसके चेहरे पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम गुल से मिलने क्यों गई थी? क्यों गई थी उससे मिलने? अरहाम एक ही जस्ट में उस तक पहुँचते उसका मुंह दबोच के। अरहाम मैं प्रीजे को वापस लाने के लिए गई थी, गुल ने कहा था वो मुझसे बात करके आपको आपकी बेटी दे देगी, हूँ ने टूटे लफ्ज़ों से बमुश्किल कहा। अरहाम उसका जबड़ा छोड़ते उसे खशमगी निगाहों से घूर कर रह गया था। अरहाम ने अपने घने बालों में हाथ फेरते हूर को देखा, जो बहते आंसुओं के साथ सहमी हुई अभी भी उसे देख रही थी। उसे उसकी मासूमियत पर ही बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो गुल के कहने पर उससे मिलने चली गई थी। अगर प्रीजे को हासिल करना इतना ही आसान होता तो क्या वो अपनी बेटी को अभी तक हासिल न कर लेता? वो जानता था वो उस पर लगाए हुए इल्ज़ाम में गिल्ट में मुब्तला है, मगर अरहाम को अब उसका गिल्ट पूरी तरह छुप रहा था। वो अपने अमल पर पछता रही थी। अरहाम को उसका पछतावा गुस्से में मुब्तला कर रहा था। उसकी थी अब सिर्फ उसकी, सर से पैर तक मुकम्मल तौर पर उसकी। अब इसका गिल्ट उसका पछतावा कुछ मायने नहीं रखता था, उसे इस तरह ही उसका बनना था। अरहाम उसकी जर्द रंगत उसके खुश होंठ देखते परेशान हुआ। उसकी आंखें गुलाबी और मुतरम थी, यानी वो इस बंद कमरे में भी रोती रही थी। वो 10 घंटे पहले हवेली से निकली थी, किरण तब से उस कमरे में भूखी प्यासी बंद थी। वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो सहमते हुए बेड की दूसरी तरफ खिसकी। और हमने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो खौफजदा होते अपनी सांस से रोक गई। और सांस लो, कुछ नहीं कह रहा मैं। अरहाम ने बहुत नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। उसकी नरमी पर हूर की आंखों से आंसुओं की बरसात हुई थी। अरहाम उसे नरमी से अपने सीने से लगा गया। हूर रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। अरहाम ने उसकी हिचकियां भरते वजूद को बहुत नरमी से खुद में भींचते उसकी कमर पर अपना हाथ सहलाया। आप झूठ बोलते हैं, आपने पहले भी यही कहा था, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और उसके सीने से सर उठाए उसकी आंखों में देखती हिचकी लेते बोली। अरहाम के लबों पर उसके अंदाज पर मबहम सी मुस्कराहट बिखरी थी, जिसे वो नामहसूस अंदाज में छुपा गया था। उसे इन 6 माह में अपनी बीवी के मतलब एक बात पता चली थी, वो ज़रा सी नरमी दिखाने पर रूठ जाती थी। फिलहाल उसका उसे मनाने का कोई इरादा नहीं था। इतनी बड़ी गलती की थी, इतनी तो सज़ा बनती थी, ताकि आइंदा ऐसी गलती करने का सोचे भी ना। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुमसे। अरहाम ने बहुत नरमी से उसके बाल उसके आरिस से उसके कान के पीछे अड़से उसके खूबसूरत चेहरा देखकर चाहते हुए भी अब अपनी सख्ती बरकरार ना रख सका था। आपने मेरे बाल खींचे, मुझे बेड पर धक्का दिया। उसके सीने के साथ लगे हिचकियों की तरह मान शिकवा किनार लहजे में बोली। उसके शिकवे पर अरहाम के लब भींचे थे। वो जब से उसकी ज़िंदगी में आई थी वो ये सिफाकी तो कई बार उसके साथ बरत चुका था। आइंदा कभी तुम्हारे बाल नहीं खींचूंगा, ना ही तुम्हें बेड पर धक्का दूंगा। अरहाम ने उसके आरिस पर बहते आंसू बहुत नरमी से अपनी खुरदरी उंगलियों से साफ किए। उसकी इतनी सी सख्ती पर उससे शिकवा कर रही थी, वो तो उससे कई गुना बुरा सलूक कर चुका था। अरहाम को अंदाज़ा था वो बहुत नाजुक है, उसके पेरेंट्स ने शायद बहुत नाज़ो नमसे से पाला था। अरहाम ने साई टेबल पर पड़े जग से पानी का गिलास पानी गिलास में अंडेलते उसके लबों से लगाया।
उन्हें आधा ग्लास एक ही सांस में ख़त्म कर डाला था। पानी कब पिया था? उसके भीगे लबों पर नरमी से अंगूठा सहलाते हुए पूछा, कल रात में। हूर के जवाब पर वह गहरा सांस भर कर रह गया था। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं दरख्शा से कहकर खाना भिजवाता हूँ। ये ड्रेस चेंज करके कोई अच्छा सा नया नाइट सूट पहनो। और हाँ, हमने उसके बदन पर मौजूद ड्रेस को सिलकती नज़रों से देखते कहा। उसके बदन पर मौजूद कुल का ड्रेस उसे सुई की तरह चुभ रहा था। हूर और हाम की बात का मतलब कुछ और ही समती अपना निचला लब बेदर्दी से काट गई थी। रंगत पल में फक हुई थी और हाम उसके बाल नरमी से सहलाए बाहर की जानिब बढ़ गया था। शहराम बेड क्राउन के साथ टेक लगाए बहारे को देख रहा था, जो पर्पल कलर की पिठानी गर्म फ्रॉक में मलबूज थी। मिरर के आगे खड़ी अपने लंबे बालों में ब्रश फेर रही थी। शहराम की गहरी नजरें खुद पर महसूस करते बहारे का रंग सुर्ख पड़ रहा था। उस दिन के बाद सोफे पर सो रहा था, बल्कि 2 दिन तो वो हवेली आया ही नहीं था। जब आया भी तो सोफे पर सोता रहा। आज वो बेड पर लेटा था। आज सारा दिन उसने हॉस्पिटल में भी कितनी बार उसे अपने कमरे में बुलाया था, दरवाज़ा बंद किए उसके साथ छोटी मोटी गुस्ताखियाँ करता रहा था। वो अब बेड पर मौजूद था, यानी वो खुद साख्ता नाराज़गी उससे आज ख़त्म कर चुका था। शहराम के इतने दिन बाद जुनूनियत सहना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वो उसकी गुर्बत से तंग पड़ती थी, मगर वो उसका शौहर था। हर बात तो उसे खुद से दूर नहीं छटक सकती थी, मगर आज थकन से उसका अंग अंग चूर था। आज सवात के मुकाम पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद सारा दिन बहुत मसरूफ़ और थकन ज़्यादा था। वो लोग रात के 10 बजे घर वापस आए थे। दोपहर के बाद जब कैजुअलिटीज हॉस्पिटल में आई थी, शहराम खुद सारा दिन इमरजेंसी में एक पांव पर खड़ा रहा। उसके करीब से गुजरते अपनी साइड की तरफ बढ़ने लगी तो उसे कलाई से खींचते अपने ऊपर गिरा चुका था। शहराम छोड़ो मुझे, शहराम मैं आज बहुत थक गई हूँ, बहारे उसके हिसार से निकलती बोली। मैं भी आज बहुत थक गया हूँ बहारे, आज मेरी थकन उतार दो। उसके आरिस पर अपने लब रखते उसका पूरा वजूद अपने चौड़े सिक्स पैक चटानी बरहना सीने पर मुंतकिल करता मदहोशी के आलम में बोला। बहारे उसकी सिलकती सांसों की तपश महसूस करते घबराते हुए उसे दोनों हाथों से दूर छटकती उसके हिसार से दूर हुई थी। शहराम उसे अपनी तरफ खींचता फिर से अपने हिसार में कैद कर चुका था। क्यों इतना ग्रेज बरतती हो, क्यों सताती हो मुझे इतना, मुझसे तुम भी मोहब्बत करती हो, फिर कहने से क्यों हिचकिचाती हो? इसका चेहरा हाथों में भरते मदहोश लहजे में बोला। उसकी बात सुनते हैरान हुई थी। बेशक उसे अपने शोहर का दर्जा दे चुकी थी, बल्कि शहराम खानजादा ने ज़बरदस्ती खुद को उसके सर पर मसल्लत किया था। उससे कभी मोहब्बत करने का सोच नहीं सकती थी। ऐसे क्या देख रही हो मेरी बहारे, एक बीवी अपने शोहर से मोहब्बत ना करे ये कैसे हो सकता है? तुम सिर्फ मुझे नखरा दिखाती हो ताकि मैं तुम्हारे नखरे यूं ही उठाता रहूं। तो ठीक है, मैं सारी उम्र अपनी बहारे के नखरे उठाने को तैयार हूँ, बस मेरे करीब रहा करो, मेरी धड़कनों से भी ज़्यादा करीब। जानती हो ये दिन मैंने कैसे गुजारे हैं, तुम्हारे करीब रहकर तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, तुम मुझसे नाराज़ होती हो, मेरा जीने को दिल नहीं करता, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें, मुझसे दूर मत रहा करो मेरी बहारे, वरना तुम्हारा शहराम मर जाएगा। शहराम ने रुख पलटे, उस पर मुकम्मल हावी होते उसकी फ्राक को भी तरतीब किया था। ये अच्छी मंतिक है तुम्हारी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए तुमसे मोहब्बत करना मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है, मुझ पर तुम्हारी हकूक अदा करना फ़र्ज़ है, तुमसे मोहब्बत करना नहीं, मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूँगी ये तुम भूल जाओ। भारी तिनक कर जवाब देने पर भारी की तिनक कर जवाब देने पर शहराम का सारा खुमार फक से उड़ा था। उसकी फ्राक की जिप पर हरकत करता हाथ रुका था, इससे ज़बान तराजी करती रहती थी। इस दौरान तो जान बूझ कर करती थी,
ताकि वो गुस्से में आकर उससे दूर हो जाए, उसे अपनी गुर्बत से आज़ादी दे। वो इग्नोर कर जाता था, पास आकर दूर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। उसकी मोहब्बत दीवानगी तो थी, खुदा ने उसकी ज़रूरत भी उसे ही बनाया था, ऐसे में उससे कैसे दूर रह सकता था। उसने अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को कभी नज़र भर कर नहीं देखा था। जब सब ज़रूरतों और प्यास के रास्ते उस तक जाते थे तो उसकी बहुत सी बातें बर्दाश्त करते थे, मगर आज उसकी मोहब्बत ना करने वाली बात सीधा उसके दिल पर लगी थी। अच्छा, मेरे हकूक़ अदा करना तुम पर फ़र्ज़ है, तो पिछले 5 दिनों से तुमने मेरे हकूक़ बरतने में कोताही क्यों की, शहराम भड़कता हुआ बोला। तुम खुद ही नाराज़ हुए थे, बहारे ने इस बार भी तिनक कर जवाब दिया था। मैं नाराज़ हुआ था ये तुम जानबूझकर इस तरह के जहरीले लफ्ज़ बोलती हो कि मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं। शहराम की बात पर बहारे की रंगत फक हुई थी, वो इतना भी अनजान नहीं था। आज मैंने ऐसा क्या कहा है, मैंने सच बोला है शहराम, मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मोहब्बत तो खुद साख्ता जज्बा है जो खुद ही दिल में नन्ही नन्ही कोंपलों की तरह परवान चढ़ने लगता है। बारे शहराम की सुर्ख आंखों को देखकर जल्दी से बोली, वो अनजाने में से बहुत पते की बात समझा गई थी। बहारे की बात पर शहराम की रंगत मतगैर हुई, यानी तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं होगी, ये कोंपले तुम्हारे दिल में कभी नहीं फूटेंगी। उस पर केला उसकी केलाइयों पर दबाव डालती तपिश सदा लहजे में बोली। हाँ, बहारे ने शहराम की सुर्ख आंखों से नजरें चुराते सपाट अंदाज में कहा, वजह सिर्फ मेरा डिग्री ना लेना है, मेरा किसी बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर ना होना है। शहराम ने सख्त लहजे में इस्तफसार करते उसकी कलाइयों पर अपनी वहशी गिरफ्त की सख्ती बढ़ाई। बहारे इसकी वहशी गिरफ्त पर बुरी तरह झटपट आई थी। जो आप दो बहारे, शहराम ने अब की बार बर्फीले लहजे में पूछा, नहीं तुम्हारी वो जिद है जो तुमने मुझसे लगाई थी, जो इंसान मेरी ज़िद में अपना फ्यूचर बर्बाद कर दे वो मुझसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकता है, वो तो ज़िद में मुझे कभी भी छोड़ सकता है। बहारे की बात पर शहराम का इस्तेहज़ाया कहका बुलंद हुआ, झूठ मत बोलो बहारे, तुम मेरे डर से झूठ बोलते बात बना रही हो, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं मर तो सकता हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम सिर्फ मेरे मैट्रिक पास होने पर मुझे धतकारती हो। शहराम उसकी कलाइयाँ आज़ाद करते उसके ऊपर से उठा, ये वजह तुम्हारे नज़दीक कोई मानी नहीं रखती शहराम, सोचो एक पल के लिए, जिस हॉस्पिटल में सब तुम्हें सर सर कहते फिरते हैं, जब इन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। वहाँ सब तुम्हारी इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। बहारे उठकर बैठते हुए अपनी फ्राक की सिलवटें दुरुस्त करते सफाक लहजे में बोली, तो बहारे की बात पर शहराम ने लब भींचते साइड टेबल पर पड़ा वाज उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा था। वाज चिकना चूर होकर ज़मीन पर बिखरा तो बहारे एक पल को लरस कर रह गई थी। उसने चोर नज़रों से शहराम को देखा, वो सिगरेट सिलगाए या मुँह को लगाए हुए था, चेहरे के सख्त तासरात सख्त पथरीले थे। शहराम तुम फजूल में इतने हाइपर हो रहे हो, ज़रा मुझे बताओ शहराम, कल को हमारे बच्चे होंगे, तुम इन्हें क्या बताओगे, तुमने मेरी ज़िद में आकर अपना कैरियर तबाह कर दिया। हमारे बच्चे होंगे, वो बहारे के लफ्ज़ दोहराता तंजिया मुस्कुराया था। शहराम तुम खुद सोचो तुमने क्या किया खुद के साथ, मेरे साथ तुमने कितनी नाइंसाफ़ी की है, जरान लाला और हाम लाला के शहराम तुम खुद सोचो तुमने क्या किया खुद के साथ, मेरे साथ तुमने कितनी नाइंसाफ़ी की है, जरा लाला और हाम लाला की कंपनी में शेयर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से कितनी कंपनियां खोली, बाहर की ममालिक तक अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुके हैं। असम लाला ऑलरेडी अमेरिका में अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी वो नई कंपनी खोल रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है, एक ज़मीन थी जिस पर तुम हॉस्पिटल खोल चुके हो, सरमाया तक तुम्हारे पास नहीं था, ये हॉस्पिटल एक चैरिटी हॉस्पिटल है, तुम जानते हो तुम्हें क्या मिलेगा इस हॉस्पिटल से, वक्ती तौर पर सिर्फ शोहरत, नाम, तुम्हारी काबिलियत जानकर जो आज लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं वो भी साथ छोड़ देंगे,
तुम्हारी तरह उसकी बात काटते तंजिया बोला था, मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ जो तुम नहीं सोचते, बहारिस की तंज पर भड़क कर बोली। तुम प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच रही बल्कि तुम खुद गर्ज़ हो बहारे। जिस हॉस्पिटल में काम करने के लिए तुम मरने वाली हो गई थी, आज जब तुम अपना ख्वाब पूरा कर रही हो, तुम्हें वो हॉस्पिटल भी चुभने लगा है। तुम नफ़ा नुकसान के बारे में सोचने लगी हो। नहीं बहारे, नहीं बहारे, तुम कभी इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हो ताकि तुम मेरे एहसानों तले ना दब सको। वो बेड से अपने उठता अपनी शर्ट पहनते हुए की ग्लव्स चबाते हुए बोला, शहराम तुम्हें कहाँ गलत हूँ, तुम ये सब करके मुझे अपने सामने झुकाना चाहते हो, मुझसे ज़बरदस्ती रुखसत की, ज़बरदस्ती मेरे करीब आए। मुझे हर काम के लिए तुम्हारा इन्हसार क्यों लेना पड़ता है, मेरी अपनी भी कोई वैल्यू है, कोई पहचान है। उसके मुकाबले लाते चटकते बोली थी, तुम्हारे सारे गमों का एक ही गम है, मेरा साथ होना, मेरा करीब आना, तुम्हारे नाम के साथ मेरी पहचान होना। उसकी आंखों में देखता तंजिया बोला, तुम गलत समझ रही, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तजिए पर नजरें चुरा गई थी। नजरें मत चुराओ बहारें, मेरी आंखों में आंखें गाड़ते जवाब दो। शहराम उसके बाजू को जकड़े उसके खुद के करीब करते कर आया था। मुझे सब कुछ कबूल है मगर तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी वफादार हूँ, हमेशा रहूँगी, मगर इससे आगे मुझसे कुछ तवक्का ना करना। उसकी आंखों में देखते स्पाट लहजे में बोली, क्या करूँगा ऐसी लड़की की वफादारी का मैं जिसके नज़दीक किसी इंसान से मोहब्बत करने की शर्त उसकी काबिलियत उसकी ऊंची पोस्ट हो, मोहब्बत भी नाप तोल कर करे। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो बहारे। शहराम ने उसकी बाजू में उंगलियां पे वस्त किए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। तुम भी खुदगर्ज हो शहराम, इस हवेली का हर मर्द खुदगर्ज है। भाभी लाला आबिर के साथ क्या करता था मैं जानती हूँ, उसे सिर्फ आबिर से उसका जिस्म चाहिए था। अरहाम लाला ने हूर को सजा उसके नातवा जिस्म से प्यास बुझा कर दी और जरान लाला ने अब्रिश को उसके निकाह से अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया और अमेरिका से आई ये लड़की को पिछले 3 माह से एक कमरे में बंद करके रखा है। वो मरे या जिए उन्हें उसकी परवाह नहीं, तुम भी उन जैसे हो। मेरी मर्जी के बगैर रुखसती की, फिर मुझसे अपना हक लेने के नाम पर ज़बरदस्ती की और अब भी तुम सिर्फ मुझसे यही रिश्ता कायम रखना चाहते हो। बहारे खामोश हो जाओ वरना मेरा तुम पर हाथ उठ जाएगा। शहराम उसकी बातें सुनते जब्त से बोला, ये भी कर लो शहराम, तुम मुझ पर 2 मरतबा हाथ उठा चुके हो, बहारे ने भीगे लहजे में से जताया था। तुम्हें इस हवेली के मर्दों का जुल्म उनकी सफाक ही नजर आ रही है मगर इन औरतों ने क्या किया वो नजर नहीं आया। जैसे तुम कुछ भी कर लो, मुझे कुछ भी कह दो, सब ठीक है। मैं ज़रा कुछ कह दूँ तो तुम्हारे ये आंसू आते हैं, तो तुम्हारे पास ये आंसू होते। शहराम उसके आंसू देखता भड़का था, उसे गुस्सा इश्तला दिलाकर अब आंसू बहा रही थी। मैंने तुम पर 2 मरतबा हाथ उठाया था, तुम्हें ये याद है? क्यों उठाया तुम्हें, शायद ये याद नहीं, मैं तुम्हें याद करवाता हूँ। वो इसके करीब हुआ था, तलाक मांगी थी तुमने कॉलेज से वापसी पर, आधे घंटे के रास्ते में हज़ारों बार तुमने मुझसे तलाक मांगी, रास्ता ख़त्म हो गया था। तुम्हारी मुझे तलाक दो की गिरदान ख़त्म नहीं हुई थी, मेरे खामोश करवाने में भी तुम चीख चीख कर मुझसे तलाक मांगती रही। मजबूरन तुम्हें खामोश करवाने के लिए थप्पड़ मारना पड़ा, तब जाकर तुम खामोश हुई थी। शहराम ने इस्तेज़ाया कहते उस पर कहर बार नजरें डाली थी। दूसरी मरतबा हवेली से भागकर दुबई जा रही थी, तब तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ा। और आज भी मेरा कुछ ऐसा ही दिल कर रहा है तुम्हारे दोनों गाल सुजा कर रख दूं, मगर आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम जैसी लड़की पर हाथ उठाना भी अब मेरी तोहीन होगी, वो इंतहाई नफरत अमेज लहजे में बोलते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ चुका था। बहारे उसकी तोहीन अमेज नफरत में डूबे लफ्ज सुनते सुरख पड़ी थी, उसके लफ्ज बर्दाश्त नहीं हुए थे, खून की जगह जैसे लावा उबला था। शहराम ड्रेसिंग रूम से शूज़ और गर्म जैकेट पहने बाहर आया, बहारे पर बिना कोई भी नज़र डाले ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपनी बात पर कायम रहना शहराम, तुम्हारी खुद साख्ता नाराज़गी और गुस्सा ख़त्म होने में पल नहीं लगता। जिस लड़की को
थप्पड़ मारना तुम अपनी तोहीन समझते हो, उसके करीब आते हुए अब 100 बार सोच लो। बाहरी उसकी पुश्त को देखते बोले। शहराम उसकी बात सुनते ठहरा था मगर पलटा नहीं था। तुम कुछ भी कर लो शहराम, मगर एक बात याद रखना, बाहरे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगी। बाहरी की बात पर उसके मजबूत हाथ की मुठियाँ भिंची थी, उसकी भिंची हुई मुठियों की कड़कड़ाहट बाहरे तक को सुनाई दी थी। वो दरवाज़ा धार से बंद करते कमरे से निकल गया था। उसकी धार से दरवाज़ा मारने पर वो लरस कर रह गई थी। कितनी देर तक ये धार उसके कानों में गूंजती रही थी। अरहाम के हवेली आने पर डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दिया गया था। सब खाना खा चुके थे मगर अरहाम की वजह से दोबारा टेबल पर खाना लगाया गया था। इस वक्त डाइनिंग रूम में दुरैद खान, समीउल्ला खान और अमीना खान मौजूद थे। बाकी सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए थे। अरहाम की हवेली आने की खबर किसी को ना थी। वो डाइनिंग टेबल पर खामोशी से बैठा था। चेहरे के तासरात इंतहाई पथरीले थे, रंगत इंतहाई सुर्ख हो रही थी। और हवेली में इतने घंटे नहीं थी और किसी को इस बात की खबर ही नहीं हो सकी। यही बात अरहाम खान सादक गैज़ व इश्तियाल में मुबतला कर रही थी। वो इस्लामाबाद में अपनी इज्जत को इन सब के भरोसे छोड़कर जाता था। वो इस्लामाबाद अपनी इज्जत को इन सब के भरोसे, अगर गुल इसे खबर ना करती तो अभी भी किसी को इस बात का एहसास ही ना होता। वो समझता था हूर की इस हवेली में अहमियत ना होने के बराबर थी, मगर हूर की ज़ात अब उसके साथ जुड़ी थी। समीउल्ला खान और दुरैद खान ने हैरानगी से अरहाम को देखा, जो बहुत खामोशी से चेयर पर बैठा अपनी प्लेट में चम्मच फेर रहा था। ये पहली मरतबा था वो बड़ों की मौजूद में, बल्कि स्पेशली अमीना खानम की मौजूदगी। इतने सर्द और पथरीले दास रात के साथ बैठा था, वरना अमीना खानम की बेहद इज्जत करता था। क्या हुआ है अरहाम, सब खैरियत तो है? ये तुम आज इतना खामोश क्यों है? समीउल्ला खान ने खंकारते हुए पूछा। कुछ नहीं दाजी, वैसे ही अरहाम ने संजीदगी से कहते। प्लेट दूर खिसकाई थी मगर इसके झबड़े बुरी तरह भिलचे थे। अरहाम बेटा, तुमको खाना पसंद नहीं आया क्या? अमीना खानम अरहाम की प्लेट दूर खिसकाने पर परेशान हुई थी। अरहाम की इतनी सर्द महरी पर भी उनका दिल घबराया था। नहीं मोरे, ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मेरी फिक्र मत करें आप। अरहाम का लहजा काफ़ी स्मार्ट था, जिसे मीना खानम के अलावा दुरैद खान ने भी महसूस किया था। अरहाम, ऑफिस में तो सब ठीक है? दुरैद खान ने संजीदगी से पूछा। जी चचा जान, ऑफिस में सब ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरहाम ने आईब्रो झुकाते संजीदगी से पूछा। इस बार हवेली जल्दी आ गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरहाम के अंदाज़ और त्वार देखते दुरैद खान के माथे पर भी अब्बल गहरे हुए थे। ऑफिस में कोई ख़ास काम नहीं था, सोचा हवेली आ जाऊँ। हवेली में यहाँ आप लोगों के अलावा मेरी बीवी भी है। अरहाम ने लफ्ज़ बीवी पर काफ़ी जोर दिया था। अरहाम के लबो लहजे और इसकी बात पर समीउल्ला खान और दुरैद खान ठटके थे। वो क्या कहना चाह रहा था वो समझे नहीं थे। अच्छा कि अरहाम तुम हवेली आ गया है। वो बच्चे जब से यहाँ आया है हवेली में बंद है, तुम इसको बाहर ले जाओ कर जाओ, बल्कि उसको कुछ दिन इस्लामाबाद में अपना साथ रखो। समीउल्ला खान ने अरहाम के सुर्ख चेहरे को बखौल देखते कहा। इसकी ज़रूरत नहीं दाजी, वो यहाँ पर ही ठीक है। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, इस हवेली की बहू भी है। वो अगर कहीं रहेगी तो सिर्फ इस हवेली में रहेगी, आप लोगों के पास रहेगी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग ऐसा नहीं चाहते। अरहाम ने गुस्से से बोलते लफ्ज़ चबाए थे। अरहाम तुम क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहो, हूर ने कुछ कहा है या फिर हमसे कोई गलती हुई है? अमीना खानम ने परेशानी से पूछा। मुरे आज सारा हूर सारा दिन कमरे में रही है, बाहर नहीं आई, किसी ने कमरे में झांका भी नहीं। वो कहाँ है, क्या कर रही है? आप इस घर की बड़ी हैं, आपको उसकी खबर रखनी चाहिए थी, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है आपको इस बात का एहसास ही नहीं। वो भी इस घर की बहू है, मेरी इज्जत है।
और हाँ, मैं मीना खानम से इस पार्ट लहजे में बात स्पर्श करते हुए भड़का था। जिंदगी में पहली बार उसका लहजा अमीना खानम से बात करते ऐसा हुआ था। उसका गुस्सा इश्तियाल हूर के साथ साथ हवेली के मकीनों पर भी बढ़ता जा रहा था। वो हवेली की दहलीज अबूर कर गई। किसी को खबर ही नहीं हो सकी उसकी इज्जत, उसकी बीवी की हैसियत हवेली में क्या ना होने के बराबर थी। वो हूर सबके पास इसलिए छोड़कर गया था वो कहीं भी मुंह उठाकर चली जाए, वो किसी को खबर ही ना हो। और हाँ बेटा, हमको इस बारे में नहीं पता। आज हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। मोरे आप बड़ी हैं, पूरा आपकी बहू है। अगर वो कमरे से बाहर नहीं आई आपको उसकी खबर रखनी चाहिए थी। आराम अमीना खानम की बात काटते तंदो तेज़ लहजे में बोला, आराम ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी मोरे से। तुरैत खान ने आराम की लहजे पर नागवारी से टोका था, तुम्हारा बीवी कमरे से बाहर नहीं आया, ये बात तुम उससे जाकर पूछो। अमीना क्यों उसकी खबर रखेगा, आज सारा दिन तुम्हारा मोरे का तबीयत ख़राब रहा है, वो कमरे से बाहर नहीं निकली। तुम्हारी हवेली आमद का सुनकर बुखार में भी तुम्हारा वास्ते इधर आया और तुम इस तरह बात कर रहे। तो रैद खान की आवाज़ गुस्से से ऊंची हुई थी। यही हाल समीउल्लाह खान का था। आराम ये सुनता खामोश हो गया था। कोई बात नहीं खान, आराम हमारा बेटा है, हमसे पूछने का हक रखता है, हमारा भरोसे ही तो अपना बीवी यहाँ छोड़ कर जाता है। अमीना खानम ने इंसानियत से कहा तो आराम गहरा सांस भर कर रह गया था। आराम ने अमीना खानम का चेहरा बगौर देखा जो काफ़ी मुजमहल नज़र आ रहा था। वो आए दिन बीमार रहती थी, वो जानता था उनसे बहुत मोहब्बत करता था। इस हवेली में एक वही थी जो हूर के साथ सख्त रवैया भी अपनाती। वो कभी अमीना खानम से बात बरस ना करता, उन्हें माँ का दर्जा देता, मगर यहाँ बात और थी। हूर हवेली से बाहर चली गई इसलिए उसे आज अमीना खानम पर भी गुस्सा आ गया था। और हाँ, ने उनके दोनों हाथ पकड़कर उनकी हथेलियाँ शिद्दत से चूमी। मोरे क्या हुआ आपको? अमीना खानम का बुखार में सुर्ख चेहरा देख रहा उसे शर्मिंदगी हुई थी। उनके हाथ अभी भी बुखार की हिद्दत से जल रहे थे। और हाँ बेटा, सुबह से बुखार है, आज सारा दिन दरख्शां और पलबिशां हमारा साथ ही रहा है। तुमको पता है बहारे सारा दिन हस्पताल में होता है। अबीर का अब शोहर है, सास है, उसका अपना बहुत सा काम होता है, अब रिश्तेदारान के साथ बाहर घूमने गया है। ऐसे में कोई भी हमारे पास नहीं था, इसलिए बेचारा दरक्षा और पलवशा हमारे पास से हिला भी नहीं, वरना दरक्षा को ज़रूर खबर होती हूर कमरे से बाहर नहीं आया। इसलिए हमको भी खबर नहीं हो सका आज हूर कमरे से बाहर नहीं आया, मीना खानम ने वजाहत दी। तो हाँ मजीद शर्मिंदा हुआ था, मोरे में ऐसे ही पूछ रहा था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरी बीवी पर मेरे मोरे का पूरा पूरा इख्तियार हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस बात की खबर उसे भी तो होनी चाहिए थी। अगर वो कमरे से बाहर नहीं आती तो आप इससे बात बस करने का हक रखती हैं, उसे यहाँ पर एक बहू की तरह रहना चाहिए, आप अच्छी तरह जानती हैं। मुझे घर की औरत का ज़्यादा वक्त कमरे में गुजारना पसंद नहीं है, आराम ने उनके हाथ थामे वजाहत दी। अमीना खाना मुस्कुरा कर रह गई थी। हम जानते हैं हमारा आराम को बहुत फिक्र है, तुम फिक्र ना करो, आइंदा खूर का हम पूरा ध्यान रखेगा। अमीना खानम ने रिहान के कंधे पर नरमी से हाथ रखा। मैं बहुत थक गया हूँ मोरे, मैं आराम करूँगा, आराम संजीदगी से कहता उठकर चला गया था। समीउल्लाह खान और दुरैद खान आराम को संजीदा नज़रों से देख कर रह गए थे। उसकी सर आंखें और सर चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था, लेकिन बात कुछ और थी जो वो छुपा रहा था। कमरे में नहीं आया था बल्कि मर्दाने के लाउंज में इश्तियाल से चक्कर लगाने लगा। हूर हवेली से निकल गई, किसी को खबर ही नहीं थी। हूर इतनी डरी हुई थी मज़ीद उससे कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने किसी को हूर के बारे में इसलिए नहीं बताया था, अगर यहाँ हवेली में किसी को ज़रा भी खबर होती हूर इतने घंटे हवेली से बाहर थी तो कितनी ही उंगलियाँ हूर की तरफ उठती जो उसे गवारा ना था। अगर हूर अपनी मर्जी से गुल से मिलने ना गई होती, यकीनन वो आज गुलखान के बखिया उधेड़ देता, हवेली की ईंट से ईंट बचा देता। ज़िंदगी में पहली बार हाम को आज अमीना खानम से भी शिकायत हुई थी, वो हवेली में नहीं थी। उसकी खबर अमीना खानम को भी नहीं थी, यानी वो खाना खाए ना खाए, वो कमरे से बाहर आए या ना आए, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। शायद उसका सलूक जो हूर के साथ था उसकी वजह से हूर का वजूद यहाँ से किसी के लिए ना होने के बराबर है। बेशक उसका सलूक बंद कमरे में उसके साथ था, मगर हूर का डरा सहमा रूप सब पर बावर करवा चुका था।
उस घर बंद रवैया, बंद कमरे में इसके साथ क्या है? उसने किसी से बात पर इसलिए भी नहीं की थी, हूर अपनी मर्जी से कुल से मिलने नहीं गई थी। किसी को भी खबर होती हूर को सब कसूरवार ठहराते, उसे बहुत बुरा भला कहते। समीला खान, रैत खान, हरबत खान ये सुनते भड़क उठते, बल्कि कुछ बईद ना था वो लोग हाकिम खान की हवेली पहुंच जाते। यकीनन शहनवाज की सज़ा मौत होती उनके नज़दीक, मौत तो वो भी शहनवाज को देना चाहता था, मगर प्रीति की कसम ने उसके हाथ बांध दिए थे, चाह कर भी गोली ना चला पाया था, मगर उसे छोड़ने का उसका इरादा ना था। शहनवाज की सज़ा मौत से भी बदतर थी उसके नज़दीक। और हाँ, ने गुस्से से सुर्ख से होती अपनी मुठियाँ भींची थी, अगर यहाँ हवेली में सबको खबर होती हूर अपनी मर्ज़ी से गई है तो यकीनन अरबद और दुरैद खान हूर को ना छोड़ते, बहुत बुरी तरह उससे पास पर्स करते। ये कोई छोटी बात ना थी, हवेली की औरत यूँ हवेली का गेट अबूर करते उनके दुश्मनों से मिलने चली गई थी। वो नहीं चाहता था कोई गलती से भी हूर को कुछ कहे, हूर उसकी इज्जत थी, उसे ये बात पहले दिन से ही गवारा नहीं थी कि हवेली का कोई भी अफराद उसके किए कि किसी भी किस्म की उसे सजा दे। अब तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात भी करे, वो अभी तक हवेली के मर्दों को देखकर घबराती थी, शायद जिरगे में सबको चलाता देखकर उन सबसे डर गई थी। मर्दानी में थोड़ी देर गुजार कर कमरे में आ गया था हाम खान, सादा कमरे में आया और कमरे में नहीं थी वो, शायद वॉशरूम में थी। अपना सीक्रेट केस उठाए, अपनी जैकेट पहनते, अपना मोबाइल पकड़े टेरेस पर चला आया। टेरेस पर आते उसने सेक्रेटरी को मैसेज करते हूर के लिए ब्रांडेड कपड़े और बाकी की ज़रूरत की चीज़ें कल शाम तक हवेली पहुंचाने को कहा था। और हमने मोबाइल अपने जैकेट में डालते हुए सिगरेट जलाकर लबों से लगाया। कुल की बात से ज़्यादा उसे हूर की नज़रें नहीं भूल रही थी, जिनमें गहरे शिकवे थे। दफ्तन हूर के लफ्ज़ उसकी समायतों में गूंजे थे। और हमने सिगरेट का धुआं फ़जा में छोड़ते भी चैनी से अपनी आईब्रो मस ली, अपने ही लफ्ज़ समायतों पर जहर बन कर उतरे थे, कोई अपने ही लफ्ज़ों से नीला होता है, मगर आज उसके अपने लफ्ज़ों की गोली ने उसका खून जैसे नीला कर दिया था। अपने ही लफ्ज़ जहर बनकर उसकी समातों में नहीं रूह में भी सराहियत कर गए थे। जिस कमरे में तुम खड़ी हो वो गुल का था, जिस बेड पर तुम सोती हो गुल के जहेज का है, उसी के शौहर के साथ तुमने बेशर्मी से रातें गुजारने का जिक्र बड़े दल्ले से करते उसके शौहर को अपने झूठ के फ्रेम से अपना शौहर बना लिया, यानी तुम्हारे हिस्से में शौहर भी गुल का आया, झूठन उतरन ही तो तुम्हारे हिस्से में आई है, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सूट नहीं करती, अब तुम सारी उम्र गुल के ही कपड़े पहनोगे, ये वो ड्रेस है जिसे गुल ने सिर्फ एक बार पहना है। उसे अभी तक वॉश भी नहीं कहा, तुम इसी काबिल हो, उसके बदन की उतरन ही पहनो, उसके मुंह पर गुल का ड्रेस मारते दहाड़ा था। और हमने ये याद करते अपने जबड़े पूरी तरह भींचे थे। ये सच है, शुरू में उसे हूर पर गुस्सा था, उसकी वजह से गुल परीजे उससे दूर हुई, उसे सजा देना चाहता था, मगर गुजरते वक्त के साथ वो भूल ही गया था वो गुल के कपड़े पहन रही, हूर के बदन पर पहना कपड़ा उसे कभी गुल की याद ही ना दिला सका था, वो तो उसे हर रंग हर कपड़े में देखकर मभोट हो जाता था, ऐसा लगता था ये रंग ये कपड़ा बना ही उसके लिए। उससे भी इंतहा नफरत के बावजूद भी उसके तो आतशा रूप से नज़रें चुरा ही ना सकता था। वो काफ़ी देर तक सिगरेट सिलगाए वहीं पर खड़ा रहा। अब उसका अगला लाइमल क्या तो सब कुछ सो चुका था, शाहनवाज की जो हालत थी वो कुछ महीनों तक उसके बारे में सोचने के काबिल भी नहीं रहता। गुल को हैंडल करना चाहता तो गुल के मुंह से प्रीजे का पता गुलवा सकता था, मगर इस वक्त उसे गुल से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, वो इसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने तक इस हद तक गिर गई थी कि हूर को अगवा कर लिया था, अगर गलती से भी शहनवाज हूर को कोई नुकसान पहुंचा लेता या खुद को भी शायद गोली मार देता, उसकी इज्जत कोई भी देखे वो खानजादा को कहाँ गंवाता। आराम सिगरेट अपने शूज़ के नीचे मसलते हुए कमरे में आया तो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। आराम ने बेड की तरफ बढ़ते बेड क्राउन के साथ टेक लगाई, और हाँ ने ड्रेसिंग रूम की तरफ निगाह की। ड्रेसिंग रूम के बड़े से ग्लास स्लाइडिंग खूबसूरत डोर से जलती रोशनी में हूर का मध्यम सा अक्स नज़र आ रहा था। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। हूर
आराम ने अपनी टी शर्ट उतारते हुए हूर को पुकारा। जानता था वो खुद से बाहर नहीं आएगी। उसकी पकार पर उसी लम्हे स्लाइडिंग ग्लास डोर खोलते बाहर आई। उसकी फरमाबरदारी पर अरहाम के लबों पर छाई मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अगले ही पल अरहाम उसे देखता मबहूत हुआ था। नजरें उस पर ठहर सी गई थी। वो ऑफ वाइट फुल गाउन नाइटी में मलबूस थी। खुले बालों में और झिझकती शर्माती वो अप्सरा लग रही थी। चेहरे पर अपसर्दी के बजाय हल्का हल्का गुलाबी पन था। उसके सामने अपने लब बुरी तरह करते नजरें झुकाए खड़ी थी। आराम की आंखें पल में खुमार ज़दा हुई थी। काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पे लगा लूँ, चंदा और सूरज की नज़रों से तुमको बचा लूँ, पलकों के चिलमन में आओ मैं तुमको जमा लूँ। आराम की नजरें दीवाना वार उस पर चाने सार हुई थी। इधर मेरे पास आओ, आराम ने भारी आवाज में से अपने पास बुलाया। अब आराम की खुमार आलूद निगाहें उसकी भारी आवाज़ सुनते हूर की सांसें सीने में अटकी थी। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उस सुर्ख रंगत के साथ अपने लब काटते वहीं पर खड़ी उसे एक नज़र देखते अपनी नजरें झुका गई थी। आराम खान सादा की जुनूनियत का सोचते उसके कदम मन बन भारी हो रहे थे। जब जब उससे गलती होती थी अपना गुस्सा इश्तियात जुनून की सूरत में उसके बदन पर उतारता था। आज की गलती तो यकीनन नाकाबले माफ़ी थी। उसे उधर ही जमा देकर आराम खान सादा भी करार हुआ था। उसका दूर खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ था। इतनी सी दूरी उस पर जैसे अजाब बनकर टूटी थी। उसका अंग्रेज़ उसे सुई की तरह छुपा था। इधर आओ, अरहाम ने बेकरार होते उसे फिर से पुकारा था और उसकी पकार पर बेबसी से देख कर रह गई। मगर उसके कदम उसकी तरफ बढ़े नहीं थे। अरहाम की आंखों में खुमार की जगह दहशत की सुर्खी उतरी थी। उससे दूर क्यों खड़ी थी, वो उसके पास आ क्यों नहीं रही थी। वो चाहता तो हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच सकता था, मगर वो चाहता था उसकी तरफ खुद आए। इधर आओ हूर, अरहाम की सर्द पुकार में हूर के लिए अब की बार काफ़ी तड़प थी जिसे हूर महसूस ही ना कर सके। हूर उसकी सर्द पुकार पर खुद को घसीटते हुए उसकी तरफ पड़ी। उसके करीब वो आकर रुकी थी। अरहाम ने उसकी कलाई नरमी से पकड़े से अपनी तरफ खींचा तो उसके कुशादा सीने का हिस्सा बनी। अरहाम की गोद में बैठी उसके सिक्स पैक पर अपने नाजुक हाथ रखे पर अरहाम खान ज़्यादा सुर्ख हमार आलूद आंखों में देखते घबराई थी। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खौफ की तहरीर रकम हुई। वो धूप छाँव जैसा था उसके लिए, पल में नर्म पल में गर्म। उसकी नरमी कब सख्ती में बदलती थी उसे पता ही ना चलता था। अरहाम उसके आरिस पर नरमी से अपनी उंगलियाँ फेरते उसे अपने ऊपर मंतकर की करवट बदल गया। उस पर उसे बेड पर नरमी से लटाए उस पर घटा बनकर छाया। इतना घबराती क्यों हो मुझसे, राम ने नरमी से उसकी आंखों को अपने लबों से छुआ। तो हूर की आंखें तहैर सदा होते फैली थी। उसकी नरम लम्स पर हैरान हुई थी। और हम उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में तहैर देखता हल्का सा हंस दिया था। हैरान हो रही हो मेरी नरमी पर, उसकी गुलाबी लबों पर नरमी से अपना अंगूठा मसलते भारी आवाज़ में बोला। तुम इतनी नाजुक हो, तुम्हें तो एक कांच की गुड़िया की तारा छूना चाहिए, आराम ने कहते उसके आरिस पर अपने लब नरमी से रखे थे। मगर क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत हो। आराम खान ज़्यादा खुद पर काबू नहीं रख पाता, वो जुनूनी हो जाता है। तुम्हारी दुश्मन सच में तुम्हारी खूबसूरती है। वह होश होता उसके कान के लोग को अपने दांतों से काट के खून के लबों से सिसकारी बुलंद हुई। अरहाम ने मदहोश होते उसकी गर्दन पर दीवाना वार अपने लब रखे थे। तुम अरहाम खान सादा का जुनून नशा बनती जा रही, उसके कान में झुकता मद्दम सरगोशियाँ कर रहा था। अरहाम के हाथों की बेबाकी बढ़ते अब उसके हाथ उसकी गाउन की डोरियों में उलझे थे। अरहाम ने उसकी गाउन की डोरियाँ खोलते उसका गाउन रिमूव किए, उसके फूलों से भी ज़्यादा नाजुक वजूद को अपने बरहना सीने पर मुंतकिल किया। हूर ने उसके चिटानी सीने पर हाथ जमाए उसकी आंखों में देखा जहाँ खुमार की सुर्खी थी। अरहाम खान ज़्यादा की सिलकती सांस से उसके चेहरे को जैसे सिलगा रही थी। हूर घबराते हुए आंखें मीच गई। अरहाम ने उसके सिल्की बालों में उंगलियाँ नरमी से फंसाते उसे गहरी निगाहों से देखते
उसका चेहरा ठोरी से पकड़े ऊपर उठाया। उसे एक नज़र देखती अपनी नज़रें झुका गई थी। आराम ने एक बार फिर से उसके चेहरे पर गहरी निगाहें डाली थी। पता नहीं उसके चेहरे पर क्या ढूंढ रहा था। उसकी घबराहट कपकपाने को उसकी शर्मो हया पर महमूल करना चाहता था। उसकी घबराहट, उसका डरना आराम को अब सिख पहचाने लगा था। आराम ने उसकी थोड़ी खुंगली से छूते उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में फिर से झांका। और की क्रिस्टल ब्राउन आंखों में नमी देकर आराम की आंखों में अजीब सी सर्द मोहरी उतरी थी। ये आंखें नम क्यों हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो इन आंखों में आंसू आ ठहरे हैं। आराम ने सर्द लहजे में पूछा तो हूर ने उसकी सर्द लहजे से घबराते हुए अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से मसलें। नन, नहीं तो मेरी आंखों में आंसू तो नहीं है, हूर ने घबराते हुए कहा। आराम उसकी घबराहट उसकी क्रेज पर अपने लब भींच गया था। क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे करीब ना आया करूं? आराम ने बर्फीले लहजे में पूछते उसके बालों को जकड़े उसका चेहरा अपने मुकाबिल करते उसकी गहरी आंखों में झांका। नन, नहीं तो मैं ऐसा नहीं चाहती। हूर ने आराम के बर्फीले लहजे को महसूस करते टूटे लफ्ज़ों से कहा। तो फिर क्या चाहती हो तुम? आराम के लहजे का सर्दपन बढ़ा था। हूर के बालों पर गिरफ्त भी मजबूत हुई थी। मैं चाहती हूँ आप रोज़ मेरे करीब आएँ, हूर जल्दी से घबराते हुए बोली। तो आराम का कहका गूंजा था और उसका कहका सुनते शर्मो के से सुर्ख पड़ते उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ था। उजलत में घबराहट के बायस क्या गह गई है? तुम रोज़ अपने पास आने की बात करते हो तो तुमसे एक पल नहीं अब दूर रहना चाहता। वो गंभीरता से गोशी करते उसे अपने सीने में भिंजते रुख पलट गया था। हूर के शर्मों के से गुलाबी होते चेहरे को देखते वो सब सरशार हुआ था। कुछ देर इस चेहरे पर सिर्फ घबराहट थी, अब घबराहट के साथ शर्मो हया की सुर्खी भी थी। अब वो उसके चेहरे पर शर्मो हया के अलावा कोई रंग नहीं देखना चाहता था, ना खौफ ना डर ना इन क्रिस्टल ब्राउन आंखों में मोती देखने थे। आराम ने उसकी स्लीवलेस नाइटी की स्ट्रिप में उंगलियां फंसाते रिमोट से कमरे की तमाम लाइट साफ कर दी। कमरे की एक एलईडी नीले को मध्यम सी लाइट ऑन की थी। वो इन मशहूर किन पलों में हूर के खूबसूरत चेहरे से नजरें नहीं हटाना चाहता था। वो इसके और अपने बीच हर पर्दे को आज़ाद करते उसे बहुत नरमी से खुद में समा गया। भीगती रात गहरी तारीख होती जा रही थी। जैसे जैसे गहरी रात में ठंडक उतर रही थी वैसे वैसे आराम की शिद्दतों में जुनून उतर रहा था। वो इस पर अपना हक समझते उस पर अपनी शिद्दतें ढा रहा था। हूर को देख कर आराम खान ज़्यादा के दिलो दिमाग में एक ही जज्बा बहुत शिद्दत से सराहियत करता था, वो था हक के मलके। उसका कोई नहीं था आराम खान ज़्यादा के नज़दीक, वो सिर्फ उसकी थी, सर से पाँव तक उसकी मिल्कियत। अभी तक वो इस जज्बे से आशना हो ही नहीं पाया था, वो तक खोने का एहसास। आराम की शिद्दतें सहती हूर की आंखों से आज भी आंसू बेमोल होते उसकी आरिस को बकोरे थे। आराम के लफ्ज़ आपस में गिटमिट होते उसकी समायतों में घोंच रहे थे। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी खूबसूरती है, तुम आराम खानजादा का जुनून नशा हो, यही लफ्ज़ तो वो पहले भी सुन चुकी थी। लफ्ज़ों का हेर फेर था, क्या बदला था आखिर? तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती है, तुमसे बेपनाह नफरत के बावजूद तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। अब सजा के तौर पर मेरी गुर्बत तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी, जिसमें तुम कतरा कतरा झुलसोगी तड़पोगी, मगर मुझसे निजात नहीं मिलेगी। आराम खान ज़्यादा के लफ्ज़ याद करते हूर की आंखों की जलन बढ़ी थी। रात कतरा कतरा भीग रही थी। आराम खान ज़्यादा आज भी जुनूनी था, मगर वो अपनी जुनूनियत में ना अपने जज्बों को समझ पा रहा था, ना ही अपने गुर्बत में से सकते हुए वजूद के एहसास को वो समझ ही नहीं पा रहा था। हक की मिल्कियत की गिरदान करते करते उसे खुद से कितने सदियों के फासले पर ले जा चुका है। सीने में उठते हैं तो अरमान ऐसे, दरिया में आते हैं तूफान जैसे, कभी कभी खुद ही माझी कश्ती को डुबोता है। होगी किसी को पहचान कैसे, आंखों में आंसू हैं पानियों जैसे।